सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भेड़िया मूवी के बारे में। ये मूवी जो है क्या दृश्यम 2 को खत्म कर देगी या दृश्यम 2 भेड़िया को खत्म कर देगी? मुझे लगता है भेड़िया दृश्यम 2 को खा जाएगी। ये मूवी आपका टाइम वेस्ट करेगी या आपको एंटरटेन करेगी, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे हर हफ्ते जो है आपको मूवी टिकट फ्री गिव अवे में मिल जाता है और ये गिव अवे जो है पठान मूवी तक रहेगी और पठान के टाइम में भी जो है आपको फ्री मूवी टिकट मिलेगी। तो भाई इसको कैसे जीतना है, किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, इसका भी डिटेल आपको वीडियो पे मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्ट टू एंड देखो और फटाफट से यार पार्टिसिपेट करो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी की स्टोरी क्या है। मूवी में दिखाया जाने वाला है कि वरुण धवन को जो है एक भेड़िया कार्ड है। उसके बाद से जो है वरुण धवन के अंदर में कुछ सिम्टम्स आते हैं और धीरे धीरे करके जो है वो भेड़िया बन जाते हैं। अब भेड़िया बनने के बाद उनको होश नहीं रहता और वो किस तरह से वापस आते हैं अपने असली अवतार में और वो भेड़िया बनने के बाद क्या क्या करते हैं, इसी सारी चीजों को जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस मूवी के अंदर में दिखाया गया है। अब इस मूवी का जॉनरा जो है वो हॉरर कॉमेडी का है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और आपको बता दूं, कि इसके जो मेकर्स है वो अपना एक अलग यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको रूही और इसके अलावा स्त्री और साथ में भेड़िया, इसके बाद से कई सारे और भी मूवी ऐड होंगे और सभी के कैरेक्टर जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। अब फ्यूचर में जाकर के ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन इस मूवी को देखते समय में मुझे क्या फील हुआ है, सबसे पहली चीज ये मूवी जो है अपना एक अलग मार्क सेट कर लेगी। भले से पब्लिक जो है ब्रह्मास्त्र के जैसे इसका हाल करे, अच्छे होने के बाद भी इस मूवी को बुरा कहते रहे और कहते रहे कि यार बॉलीवुड से कुछ भी नहीं मिल सकता, तो ये एक तरह का चीज चलता रहेगा, उसको मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला हूं। लेकिन जो एफर्ट जो नयापन इसमें दिखाया जा रहा है वो आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे। सबसे पहली चीज आती है स्टोरी लाइन। अगर आपको स्त्री के अंदर में पसंद आया है, स्त्री मूवी के अंदर में जो हॉरर का टच था और साथ में कॉमेडी का तड़का था, दोनों एकदम परफेक्ट मैच के साथ में आपके सामने रखा गया था और आप अगर उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किए हो तो ये मूवी भी आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। कुछ मैं बताऊं और फिर स्पॉइलर हो जाए और कुछ झंडुओं को ऐसा लगता है कि बिना देखे ही आ गया हूं, तो बॉस अगर तुमको लगता है कि ये उंगली करके मैं अपना सोर्स बता दूं और उसके बाद से तुम भी वो सारी चीजें करो तो भाई ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को सबसे ज्यादा लगता है ये वही लोग हैं जो अपना चैनल ऑन करके रखते हैं और फेक आईडी से आकर के जो है दूसरे का चैनल चेकआउट करते हैं, कहीं किसी ने मुझसे पहले तो नहीं ना दे दिया, और उसके बाद से अगर कोई दे देता है तो भाई उनके ऊपर बहुत ज्यादा चिढ़ आती है इनको। सो गाइस मैं भावनाओं में कहां बह गया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, लेकिन इससे पहले जान लो कि पार्टिसिपेट कैसे करना है, फ्री मूवी टिकट जीतना कैसे है। तो फटाफट से बताता हूं कि गिव अवे पे मिलने वाली जो दो टिकट है जो हर हफ्ते मिलने वाली है वो आप कैसे जीत सकते हो। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसको स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है, उसके बाद से वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन पे जाकर के अच्छा से कमेंट करना है और #MrZeroGiveaway लिखना है, उसके बाद से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे आके DM करना है, वहां पे जो है इसका स्क्रीनशॉट दिखाना है और साथ ही साथ आपके नियरेस्ट लोकेशन पे जो भी थिएटर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, भले से आप एड्रेस के साथ या फिर एरिया पिन कोड के साथ में दे सकते हो ताकि आपके नजदीकी थिएटर का टिकट लेकर के आपको मैं भेज सकूं। इसका अनाउंसमेंट होगा हर हफ्ते फ्राइडे एंड सैटरडे को दो टिकट के बारे में और जिसका शो आपको देखने को मिलेगा संडे को, तो फटाफट से तैयार हो जाओ। तो वापस आते हैं वीडियो पे। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वरुण धवन जो है ना अपने अंदर में हर तरह का वैरायटी लेकर के चल रहे, अगर उनसे कोई सुपर फ्लॉप भी मांग लेना तो वो उसके लिए भी तैयार रहते हैं और वहीं पे अगर उससे कोई मास्टरपीस मांग ले जैसे बदलापुर या फिर अक्टूबर जैसे तो भाई उसके लिए भी वो तैयार है, या फिर आपको क्रिंज इनटू 100 देखना हो तो भाई कुली नंबर 1 जैसा भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन एज अ भेड़िया वरुण धवन इस मूवी के अंदर में एकदम से परफेक्ट चॉइस लगे मुझे, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है और इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा हंसाती है। साथ ही साथ जुगलबंदी करते हुए यहाँ पे दिखते हैं अभिषेक साहब, यानी वो अपना पाताल लोक से हथौड़ा त्यागी, भाई इससे दमदार ना कोई हो नहीं सकता है, खास करके जब ये मुन्ना भैया के साथ में ब्लेड चलाना सिखा रहे होते। तो अभिषेक भाई ने पूरा एकदम चार चांद लगाया है। उसके बाद से बात करें कृति सैनन की, तो मुझे उनका परफॉर्मेंस हमेशा के जैसे ही लगा है। उसके बाद अगर बात दीपक डोबरियाल की जाए तो भाई वो हमेशा से ऑसम रहे, भले से उनको कोई सीरियस कैरेक्टर दो, भले से कोई चोमू का कैरेक्टर हो ओमकारा जैसे, या फिर इस मूवी में जिस तरह से उन्होंने पंकज त्रिपाठी वाले रोल को जो है एक तरह का वेरिएशन दिया है, याद नहीं आ रहा है बताऊंगा नहीं, मूवी में जाके एंजॉय करना दीपक डोबरियाल को कि वो चीज क्या बना है और किस तरह से आपको जो एंटरटेनमेंट दे रहा है। ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस की, अब बात करते हैं कि भाई डायरेक्शन और इसकी सिनेमेटोग्राफी क्या उस लेवल की है कि ये जो है अपना यूनिवर्स बनाने में कामयाब हो जाए। तो देखो भाई सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, जब स्त्री मूवी आई थी ना तभी इन लोगों ने सोच लिया था कि एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अपना एक अलग यूनिवर्स भी बनाएंगे जो कि हॉरर कॉम का होगा, और उसके हिसाब से भाई इनका डायरेक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से गुदगुदाती है, आपको हर जगह पे एंगेज रखती है और स्टार कास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो आपको हर तरह से बांधे रखती है। तो हाँ डायरेक्शन उस तरह से है। सिनेमेटोग्राफी की अगर बात की जाए तो भाई VFX दमदार है, 3D में देखने लायक है और आपको कहीं ना कहीं हॉलीवुड वाला फील दिलवा करके जाएगी। ज्यादा हो गया? नहीं ज्यादा नहीं है, आप जब 3D में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फील क्या दे करके गया है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो हाँ ये यूनिवर्स बनाने के लायक है और इसके बाद से आने वाले और भी कैरेक्टर के लिए हम बेसब्री से इंतजार जरूर करेंगे। आई होप
आप भी मेरे जैसे ही वेट करोगे। सो वीडियो को खत्म करने से पहले म्यूजिक के बारे में बता दूं, मुझे म्यूजिक जो है वो ठीक ठाक से लगी। खास करके बात अगर गाने की जाए तो ठीक ठाक सी है, मैं गाने को उतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया हूं, लेकिन सीन्स के साथ में जितने भी बैकग्राउंड स्कोर है वो अच्छे लगते हैं और सीन के साथ में अच्छे से मर्ज भी होते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भेड़िया इज फॉर यू, आप जाकर के एंटरटेन हो सकते हो, आपका पैसा कहीं से भी वेस्ट नहीं होने वाला है। रही बात दृश्यम 2 की, अगर उसका क्रेज कम नहीं हुआ ना, अब रही बात दृश्यम 2 की, अगर उसका क्रेज लोगों के दिमाग से कम नहीं हुआ ना बॉस, तो ये भेड़िया जरूर जख्मी हो जाएगा। लेकिन अगर ये भेड़िया लोगों के जहन में बैठ गया तो दृश्यम 2 को ये भेड़िया खा सकता है। बहुत बड़ी बात कह गया हूं। By the way, that was my honest reaction for this movie. What's your take? Please do comment. यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और फटाफट से यार पार्टिसिपेट करो, आपके लिए फ्री मूवी टिकट वेट कर रहा है। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।